हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नया इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया है और यह जो नोटिस है वह एडमिट कार्ड को लेकर के, तो जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं CHSL 2019 वाले हैं जो एग्जाम को पास कर चुके हैं उनको एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो यहाँ पे इसके बारे में पूरी जानकारी बताता हूँ तो कैसे आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि CHSL वाले जो एग्जाम दिए हैं 2019 वाले उनके लिए है यह। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसको डाउनलोड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपना जो है गूगल सर्च बॉक्स में जाना है, फिर आप लोग SSC लिख दीजिएगा। जैसे ही आप लोग SSC लिखेंगे तो आप लोगों को जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पे उसको आप लोगों को क्लिक कर लेना। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का जो है पेज खुल जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और आप लोगों को सबसे पहले जाना है यहाँ पे एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में, और एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जैसे आप लोग क्लिक करते हैं इसको इस प्रकार से, तो ये कुछ ऐसे पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों का सारा रीजनल जो है ऑफिस उसका एड्रेस दिया हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जाना है ईस्टर्न रीजन वाले में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ईस्टर्न रीजन में जैसे जाते हैं आप, तो आप लोगों के पास एक नया पेज इस प्रकार से खुल जाएगा। थोड़ा सा स्लो है तो इसी कारण से ये थोड़ा सा स्लो खुल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इस प्रकार से ओके बटन कर देना है। यहाँ पर ओके करने के बाद में आप लोगों को इस प्रकार का एक पेज खुल जाएगा। जैसे ही आप लोग इस पेज को खोलते हैं तो आप लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर में डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर लिखा हुआ है, फिर यहाँ ऑप्शन फॉर्म भी दिया हुआ है, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। और इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल्ड फॉर CHSL 2019 एग्जामिनेशन, ये भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग एकदम क्लियर से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एडमिट कार्ड वाला है तो यहाँ पे ये जो है पहला नंबर उसको क्लिक करता हूँ। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो है साफ साफ दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन कॉल लेटर CHSL एग्जामिनेशन 2019 वाला है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कॉल लेटर है, रोल नंबर आप लोगों को डाल लेना है, फिर यहाँ पे सम करने के लिए कुछ दिया जाएगा भर लेना है आपको। उसके बाद में डाउनलोड कॉल लेटर करने के बाद आप लोगों को सीधे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आप लोग इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड को। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा और इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप लोगों को ध्यान रखना है जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग CHSL 2019 वाला एग्जाम को अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप लोगों का कॉल लेटर डाउनलोड हो रहा है। अब देखते हैं मैं आप लोगों को और कुछ यहाँ पे बताता हूँ क्या है। तो इसको आप लोग सिंपली करने के बाद में सीधे बैक जाना है, उसके बाद में फिर यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म भी है, यहीं पे आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, इसको ऑप्शन फॉर्म में वाले में जाना है तो आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा और उस PDF में आप लोगों को जो है ऑप्शन किस प्रकार से रहेगा वो भी आप लोगों को दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे इसको खोल के, तो देखिए खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से CHSL 2019 वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म दिया हुआ है किसे है, तो इसको कैंडिडेट के हिसाब से अपने हिसाब से भर लेंगे। ये भी कह रहा है ऑनलाइन ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है यहाँ पे, और ए साइंड प्रिंट आउट देयर ऑफ टू बी केप्ट इन डोजर। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन करने के समय में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय में मांगा जाएगा, तो ये आप लोगों को भर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ रोल नंबर डालना है, साथ ही साथ में यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट्स डालना है। उसके अलावा में यहाँ पे देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क JSA JPA प्रिफरेंस कोड फॉर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंटल ऑफिसर, तो यहाँ पे है ये सब कोड दिया हुआ है और ऑफिस डिपार्टमेंट का भी नाम दिया हुआ है। तो आप लोग इसी हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ देख पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट प्रेफरेंस कोड फॉर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ये दिया हुआ है, ये दिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये आप लोगों को डाल लेना है किस प्रकार से 1, 2, 3, 4 करके 26 तक है। तो ये आप लोगों को पूरा फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको सिग्नेचर टाइम और डेट दिया हुआ है, तो आप लोगों को इस प्रकार से इसको भर लेना है और फिर अपने पास में रख लेना है, ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। तो यहाँ पे है ऑप्शन फॉर्म दिया गया है, आप लोग इसको भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे आप लोगों को फिर ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से 3rd नंबर पर जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल और CHSL 2019 एग्जामिनेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको जैसे कीजिएगा तो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे PDF खुल जाएगा और इस PDF में नोटिस दिया हुआ है, ये नोटिस ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये एक ईस्टर्न रीजन वाला है, एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके बारे में क्या है थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है कि डेट एंड टाइम मेंशन अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव रोल नंबर एंड नेम्स गिवन इन द टेबल ऑफ एनेक्सचर 1। तो यहाँ पे जो है डेट और टाइम दिया गया है, जो भी कैंडिडेट्स पास किए उसका नाम और रोल नंबर भी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या करने के लिए कहा है इसको भी देखते हैं। तो द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एज मेंशनड इन देयर कॉल लेटर्स, फेलिंग विद दे विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे जितना भी है आप लोगों को सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेके जाना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को वहाँ पे अपीयर होने के लिए नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे साफ साफ कहना है। अटेंडेंस ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन इन द टेबल
विलो इज कंपलसरी। तो जितने भी कैंडिडेट्स जिनका नाम है, डेट दिया गया है, उनको उसी डेट में आना है। अभी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे। उसके बाद है, इफ़ एनी कैंडिडेट्स डज नॉट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम, ही सी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर इसमें से कोई भी कैंडिडेट्स हैं जो कि शेड्यूल डेट एंड टाइम में नहीं पहुँचते हैं, तो उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं माना जाएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, यह भी कहा गया है। एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू देम फॉर अपेयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसको आगे फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा, यह भी कहना है। कैंडिडेट्स में नोट दैट द कॉल लेटर्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल नॉट बी डिस्पैच्ड बाई पोस्ट एंड द सेम कैन ओनली बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट www.ssser.org। तो यहाँ पे कहना है कि ये जो है वो बाई पोस्ट भेजा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे अपने हिसाब से पहुँच जाना है। वो अब एड्रेस अगर मेंशन है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे किस प्रकार से, नहीं तो फिर आप लोगों को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा चीज़ें यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे सबका रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस PDF में आप लोग डाउनलोड करने के बाद सारी चीज़ देख सकते हैं, रोल नंबर किस प्रकार से दिया हुआ है और डेट एंड टाइमिंग भी दिया हुआ है। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से है, 150 प्लस हो चुका है, 190 कैंडिडेट्स हो चुके हैं। साथ ही साथ इधर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ले जाता हूँ नीचे की ओर, तो टोटल कितने कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ले जाता हूँ नीचे की ओर, तो इतने सारे कैंडिडेट्स जो हैं पास हो चुके हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, उनको जो है शेड्यूल भी सब में सारा चीज़ दिख रहा है, तो यहाँ शेड्यूल भी दे दिया गया है उनको। तो देखिए ये इस प्रकार से है, मैं थोड़ा सा स्पीड में ले जाता हूँ। आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रोल नंबर जो है वो चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं थोड़ा सा स्पीड में लेके गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है 1086 यानी कि 1086 कैंडिडेट्स जो हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है CHSL 2019 वाले एग्जामिनेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो यहाँ पे है 1000 से भी ऊपर के कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, नाम देख सकते हैं। तो ये जो है आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अपना रोल नंबर भी देख सकते हैं। तो इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब देखता हूँ मैं यहाँ पे ऑफिस में है, द कैंडिडेट्स डिक्लेयर क्वालिफाइड बाय द कमीशन इन द स्किल टेस्ट ऑफ कमांड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2019 आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द ऑफिस ऑफ, यहाँ ऑफिस में ही आना है आपको, ईस्टर्न रीजन का ऑफिस का आप एड्रेस पूरा तरीके से देख लेंगे, 8th floor फर्स्ट MSO बिल्डिंग निजाम पैलेस 234 AJC बोस रोड कोलकाता 27000020। ये है आपका एड्रेस जहां पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है ईस्टर्न रीजन वाले यहां पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो ये आप लोग सारा चीज़ कर लेंगे। और साथ साथ में आप लोगों को जो कंपलसरी जो है वो सब आपको लोगों को ले जाना ही है, डेट एंड टाइम आप लोग PDF से देख सकते हैं। तो यही है अपडेट है, नोटिस है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ इसी वीडियो में, तो थोड़ा सा लंबा बन गया है, तो आप लोग सारी चीज़ देख लेंगे।